नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूबी इंडिया न्यूज। आज आपको बीजेपी के एक बड़े दांव के बारे में बताने जा रही है, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उन्होंने खेला है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का पारिवारिक सीट है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य को ही यहाँ से टिकट दे दिया है। उपचुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को यहाँ से कैंडिडेट भी बनाया गया है। लेकिन क्या अखिलेश और डिम्पल मुलायम सिंह की विरासत को मैनपुरी में संभाल या बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल तब से उठ गया है जब से बीजेपी ने मैनपुरी के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया है। और ये वो कैंडिडेट है जिसकी वजह से डिम्पल के लिए मैनपुरी में जीतना आसान नहीं हो सकता। बहुत लोग सोच रहे थे कि बीजेपी डिम्पल के सामने अपर्णा यादव को उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने अपर्णा यादव को तो टिकट नहीं दिया। लेकिन बीजेपी मैनपुरी में डिम्पल यादव के सामने जो कैंडिडेट उतारने जा रही है वो है रघुराज शाक्य। जी हाँ, रघुराज शाक्य के जरिए बीजेपी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। अब आप कहेंगे कि अपर्णा को दे देते तो परिवार परिवार की लड़ाई हो सकती थी। आज वो आपको हम डिटेल में बताएंगे क्यों चांसेस बताए जा रहे हैं कि डिम्पल यादव हार सकती है। बीजेपी ने कैंडिडेट उतारने में जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है, क्योंकि मैनपुरी में बड़ी संख्या में शाक्य वोट भी है। इसके बाद बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव की तैयारी पहले से की है, तब डिम्पल यादव का नाम भी सामने नहीं आया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में प्रचार के लिए आ सकते हैं। अगर अपर्णा यादव को टिकट दिया जाता तो ये होता कि परिवार परिवार को लड़ा रही है। अभी रघुराज शाक्य को टिकट देने से ये मैसेज चला गया कि शाक्य समाज के किसी व्यक्ति को आगे ला रही है, परिवार परिवार को लड़ाने में विश्वास नहीं है। इनका तो वो मैसेज भी हो गया। अब आप कहेंगे कि रघुराज शाक्य कैसे हरा देंगे डिम्पल यादव को, हराएंगे या नहीं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आप रघुराज शाक्य की प्रोफाइल देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, और आपको पता चलेगा कि क्यों ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हरा दे। बीजेपी ने रघुराज शाक्य को क्यों मैनपुरी का उम्मीदवार बनाया, आइए सुनिए। रघुराज शाक्य अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के करीबी हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश के चाचा के करीबी को टिकट दिया है। रघुराज शाक्य शिवपाल की पार्टी पीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और इटावा से समाजवादी के टिकट पर 1999 और 2004 में सांसद रह चुके हैं। यानी बीजेपी समाजवादी पार्टी की राजनीति और मुलायम परिवार की राजनीति को अच्छे से जानती है, और जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल का टकराव है उसमें शिवपाल के करीबी को मैनपुरी से उतारना बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।